गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और बना रही हूँ चाय। आज जाना है ममता के यहाँ गाजियाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चल लेते हैं। तुम्हारी चाय बना के खत्म करूँ? किसको खत्म करें? अरे तुम्हारी चाय, मैं तो तुम्हें खत्म करूँ। ये तो बहुत अच्छे काम होंगे। फिर तुम्हारी रील कौन बनाएगा? हीरो उड़ गया तो विलन से पिक्चर उड़ नहीं गया, चाय की बात चल रही है। विलन कौन है? मैं और क्या। तो फ्रेंड्स, हीटर मिल गई है आठवीं चाय। मुझे जाना है गाजियाबाद, तो मैंने सोचा अपने प्यारे पति को अपने हाथ से पिला जाऊं चाय। तो ये डायलॉग मार रहे हैं, विलेन उड़ गया, फलाना उड़ गया। खत्म या चार पांच और है अभी? 17-18 और। तो अरे वीडियो बना रही। नहीं 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 खत्म है, खत्म है। डायलॉग बस इतनी सी चाय, इतनी ही पी लो। मेरा कप तो मेरी सेहत का, तुम पतले दुबले हो ना, ये तुम्हारे सेहत के हिसाब से है। तभी तो कह रहा हूँ इतनी सी चाय बस पी लो। इतनी सी लेता हूँ, इतनी सी चाय बस पी लो, पी लो बस। बीबी के आती, बीबी जा रही है फिर गाजियाबाद। परमानेंट सेटल होने? हाँ परमानेंट सेटल होने। कितने खुश परमात्मा सुबह सुबह इतनी खुशी क्यों दे रहा है। ये लो दो कार्ड ले जाओ, पहले ये पेटीएम वाला कोशिश करना, हो जाएगा वैसे ऊपर वाला। गाइस मजा आ गया परांठा खा के, बढ़िया स्टफिंग, अल्टीमेट परांठा। चाय भी दे दो। दे दो हाँ। क्रिस्पी आधा परांठा ज्यादा है। तीन परांठे हिला रही मम्मी मेरे को जबरदस्ती। गाइस मां के राज में मम्मी अपनी भगोई उसको भी बिठा के खिला देना, ताकि वो भी अपनी माँ को याद ना करे। चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है। निक्कू कांगे से परांठा बन गया। अब आप मुझे बोलोगे तो सही, बेटा बैठे बैठे मिल रहे पी लो, पर ठीक है। और रितिका दी नहीं जा रही है, हम लोग ही जाएंगे, अंकिता दी जाएंगी। फटाफट से होते हैं रेडी, नहाते हैं फिर निकलते हैं। नाश्ता हमेशा तसल्ली से करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी, हम जा रहे हैं गाजरी सिस्टर के यहाँ। और अंकिता के लिए मैंने ये स्टॉल लिया उसको गिफ्ट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चलिए चलिए। सो गाइस टाइम हो रहा है 12, निकल चुके हैं मौसी के घर के लिए। बड़ा बैंड बजती है सुबह सर्दियों में उठने में, कसम से मेरे को लगातार मंडे तक जल्दी उठना है बैक टू बैक। कल किड जेनिया लेके जा रही हूँ बच्चों को, तो जल्दी उठना है, नोएडा जाना है कल। फिर परसों अमृतसर निकलना है, फिर मंडे वापस आऊँगी अमृतसर से, तो बैक टू बैक। चाबी देने जाने पड़ रही है शॉप पे। ओ पापा आ गए, लेट हो गए, खतरनाक। ये लो सर जी, पहले पेटीएम कार्ड से डालियो पेट्रोल हो जाए। ओके सर, कितने हजार का? हजार का। वाह मजे आ गए, गाड़ी में आधा टंकी है, आधा टंकी और डाल लेंगे, मौज हो गई दीक्षा की। मजे आ गए। कोई ले जाएगा, कोई चार ले जाएगा, कोई पांच ले जाएगा, जैसे नानी थोप में सामान लाती है। कार्टन का रखेंगे फिर देखते हैं, वो तो चाहे पैरों में रखेंगे आगे फ्रंट वाली सीट पे, अगर शौर्य बैठेगा तो। शौर्य बैठेगा आगे तो फिर शौर्य के पैरों में रख देंगे। शौर्य बैठेगा, ये तेरा गूगल मैप वो सब भी देखता करता है। और ला फटाफट से शौर्य, फटाफट से ला मानी, जल्दी लाओ फास्ट फास्ट। जा शौर्य लेकर लाओ। थैंक यू, ये बढ़िया लग रही है। कोई देखेगा हम दुकान खोल रहे हैं इनकी, वो देखेगा तो सोचेगा हम दुकान खोल रहे हैं। सौरभ तो यही कह रहे हैं, हम बेच रहे हैं।
ममता नानी को। हो गए सारे, फिर ये पैरों में रखते शौर्य के, ये आगे रख दे सीट पे पैरों में। शौर्य के पैर पे ले बंद कर इसको, बहुत सुंदर है। चलो ये ममता के कपड़े यहाँ रख दे। ऑल सेट शौर्य, बेल्ट लगा लो, चलो चले। तेरे लिए बहुत सुंदर है शौर्य, क्या रानी है, अच्छी बात। ये तेरे लिए लाई हुई है। हाँ देख रही हूँ, उसी देख। ये मेरे घर आई थी, मेरे को दिया ही नहीं था। आए पागल है क्या, क्या मैं कुछ दे के नहीं भेजा इसको। अच्छा ऐसे क्यों नहीं भेजा, ये कह रही थी, मैं कहा नहीं, फिर वो दे रही है। ऐसे बच्चे आते हैं, 4-5 किलो काजू भी लेके भेज देती वो मेरे। हाँ अंकित तक ले आई हूँ, 4-5 किलो काजू दे दी वो। पहले तो दबा दिया, पहले सेटिंग करो। हेलो ये एयरफोन नहीं लगा रहा, मैं लगा लूँ। हाँ हाँ लगा लो, बड़ा अच्छा कोजी फील हो। अच्छा क्यों करा, खर्चा नहीं किया। ये बैग तुझे पता है, उसी को मेरे को गिफ्ट मिलता है ये, मेरे को ये था मेरा मन की, इसको तो ये उड़ के खुश हो जाएगी, क्योंकि अंकित दी यूज करती है इन चीजें। इसमें ना बाजू डालने की जगह है, एक तो जैकेट बनेगी। अरे ममता के घर देख लियो, तय बना के डाली। चलो ना तो फ्रेंड्स हम लोग चल दिए हैं ममता जी के यहाँ। हेलो बिना मुंह धोए। हाँ बेटा ड्राई क्लीन हो जाइए तू तो। हाँ मुंह धो के, नहीं मुंह से रास्ता भी दूर का है। बहन इसके ट्रिप होते ना 4 बजे भी जाती है हमारे साथ, ऐसे मक्खन पच्चा पच्चा करती है। तो अमृतसर भी तो जाएगी। हाँ ये काली वाली चोटी फुंदन जो है ये ले दूं क्या तेरे लिए, बालों में लगाए तो सिर्फ में बाल ही ना बहन लगाऊंगी तभी तो, ये कालो से बाल, ये बाल ही तो लगेंगे। हाँ मेरे कलर करा दिए। ये देख ये भैया बेच रहा है फुंदन पूरा, मेरे शीशे में मेरे कैमरे में आ भी नहीं रहा। अब आएगा देख तो सुंदर, काले रंग के फुंदन है, पीले भी है, काले पीले तेरा गोल्डन मिक्स एंड मैच हो जाएगा, यही खुश हो जाएंगे फुलेरी सी बीवी को देख करके। घर वालों को वैल्यू नहीं है तुम जैसों को, बाहर वालों को इतनी वैल्यू है, किसी को वो ना हो, मेरे को तो बहुत वैल्यू है। हां मेरे को तो बहुत वैल्यू है, तेरा गुजारा ना तेरा बिना। देख अंकिता लड्डू मट्ठी बना के आपको देती नहीं। हां देख कभी नहीं देती कभी भी, किले 1 किलो लड्डू, मैं लड्डू बना के भेज दे। अब तो बहन खोए की पेमेंट भी नहीं देनी तुझे, मामा राखी के नाम पर डबल लेंगे। सफरी कर दिया, पहले पूछेंगे किसके लिए बनवाया, ने सफरी कर दिया राखी के लिए, चलो डबल पैसे दो। वैसे बताऊं इन लड्डुओं में अखरोट और किशमिश डाले तो गजब लगे, ये इनके मेवा खाते नहीं है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये तो। चलिए फ्रेंड्स पहुंच चुके हम सिसरी के घर। सिसरी खोल दरवाजा, हम आ गए हैं। चलो 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 बंद करो गेट, मम्मी गेट बंद करो। मैन 5 में से 2 ही बच्चे आए हैं, तेरी कसम, इसको मजाक लग रहा है। 5 में से 2 ही बच्चे आए हैं, मौसी नमस्ते, 2 ही आए हैं। तेरे को झूठ बोल रही हूँ, दो ही चिल्लड़ पार्टी आई है। कसम से ठंड है, माने ठंड लग रही है। वो जिधर नल की नॉब है ना उधर ही खोलियो, गर्म पानी आ जाएगा उधर। जल मत जाना, जल मत जाना, कभी उछलो। इतनी बड़ी हो गई है? नहीं छोटी है, गहरी नहीं, पानी लो गए, गहरी नहीं, जो गहरी नहीं अभी छोटी है, छोटी है, छोटी है ये, अब बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ये गर्म का क्या चक्कर है मौसी,
नमस्ते मौसी, नमस्ते। ये गरम का क्या चीज चक्कर है? आजकल क्या हो रहा है? डीजल की गाड़ी नहीं चल रही। गरम करे है हमारी गाड़ी डीजल की। अच्छा ये कली है। मौसी बैठो बैठो, आगे आ जा, आगे आ जा, आप भी ऊपर आ जाओ, चढ़ जाओ बैठ पे। जी तो अरे ये देख चल रही है, चला क्यों नहीं आया? मौसी क्या पंगे ले रहे हो? सही बनाओ, पंगे ले जा रही है मौसी भी। चल चल हमेशा खा पी क्या है, कड़ी बच जाएगी शाम को मेरा कोई खाता है। बासी नहीं है, गरम किए हुए हैं। गरम करे है तो गरम करे, बासी नहीं है गरम है। रिजेक्टेड, ये तो अलग ही चीज है। मौसी डब्बे बंद कर दो, छोले चावल भी मत दो। नहीं छोले चावल भूख लग रही है, छोले तो कभी बनाती। अरे भैया कोई खाता नहीं, तुम कहते हर बार तुम पराठे खाते हो। मौसी सैड हो गई, पराठे खाते तो भूखी है, मेरे पेट में जगह नहीं है। सर्दी में गर्म चीज बनाई, ठंडी चावल बनाया, अभी बनाए गर्म गर्म लक्ष्मी तासीर क्या हो ये भी खाने, ये बादाम मुझसे रहने दो सीले में। मेरे को तो मटर और पनीर के ना पुलाव मिलेंगे अदरक वाले, हमेशा वही मिलते हैं। मौसी सब मजाक बना रहे हैं आपका। वही बना के हैं मैंने। मटर के छोले समझ लेना। तुमने कुछ सोचा है? मैंने तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो इडली सांभर डोसा खा लूंगी। जो जो सोच रहा है वो भी मुझे। तूने कढ़ी बाजरा खिचड़ी पिछले में ना मेरा परांठे खा रखा है। ये लो, मेरे को पता मैं कढ़ी बना लूं, मेरे शाम को कढ़ी को खा रही आपकी बेटी। क्या पता अभी भी मिल जाए, कुछ पता नहीं है। नहीं बनाया मैंने कढ़ी, नहीं बनाई है अभी। मौसी इतना गोल गोल कर रही है, हमें घुमा रही है। छोले चावल बनाया क्योंकि पिछली बार भी आई ना, याद नहीं तेरे को? मैं तो परांठे खा के आई, मेरा तो पेट भर रहा है। चला क्यों नहीं है? ऐसे करता भी बहन क्या होता है? ऐसी करती है, मैं तो अपनी बहन को बता देती हूँ, बहन ये मंगवा दे बाहर से ना। ये तो पिछली बार गई ना, मैंने बनाया क्या? ये मंगवा दे बाहर से, जब गई मैं तो परांठे खा के। वो कहेगी जाके किचन में खुद बना ले। मेरी बहन भी ऐसी कहती है, माने ये खाओ, इस बार ये खाओ बन लेना बेटा। मैं तेरे कपड़े ले आई हूँ। हाँ देख लिया, और वाइपर मुझे याद भी नहीं। मुझे आपके वाइपर देखते सब शौक। हाँ तो पोछे तो चाहिए, वाइपर वाले पोछे क्या करेंगे उनका? मैं तो कई सालों से मंगा रही हूँ, ये यूज होते हैं, हर बाथरूम में अलग अलग रखा हुआ है मेरे। नाराज हो गई मौसी, ये तो कड़ी बाजरा ही काटी मुझे रास्ते में। अरे पिछली बार आई ना, मैंने तो कड़ी बाजरा कुटा हुआ दे दो, मैं भूल ना दे दूंगी। मैं बनाती पिछली बार ना परांठे खा रहे, पेट में जगह नहीं है। मैंने कहा तेरे कोई कवर आया हुआ हमारे को लेके जाऊंगी मोबाइल के। हाँ मैंने कहा हमारे ये कुछ नहीं खाएगा, बैठा है दूर को, इसके लिए वो आ रहा है। इसकी माँ देखेगी, माँ तभी खड़ी हुई है, माँ ने बहाना मारा था, पर खड़ी असलियत में बच्चों के लिए हुई है। दीदी मौसी बस पुलाव थे आपके लिए, अपने खा लोगे? दीदी वैसे भी कमेली है, नहीं ये लग जाती है मेरा सारा काम, अंकित सारा काम घर की रसोई का कपड़े सब कर। छोड़ देंगे आप खा लोगे ना खुद? पक्का ये बंद कर दूँ, आप खाना खा लो, ये बाद में खाएंगे ठीक है? चलो राइस खा लो, ये छोरे कुछ नहीं लेगा। मौसी चावल से चावल खाने हैं, और जो छोले हैं वो कुलचों के साथ खाने हैं। अरे सेक रहे, तू बैठ रहे, तू आ रही है, तू मेरे मियां जी तो लड़ रहे, बोले मैदा लगा लिया, यम्मी लग रहे हैं, मुझे रसे में घुलना पड़ेगा, यम्मी लग रहे हैं ना, आलसी हो रही है, काम चोर हो रही है, करो फिनिश। मैंने कहा मेरी बहन
दीक्षा की सेवा हो रही है बच्चों के साथ में आई है तो मैं यही बोल रही हूँ अगली बार या तो मैं बच्चों के साथ आऊंगी या जब मौसा जी घर होंगे तब आऊंगी। ममता बाहर निकाल दे इसको, जिया ही नहीं है तो निकाल इसको बाहर, इसको बिना मौसा जी के कुछ नहीं मिलता। चल बाहर निकल तू, बाहर निकल। लो भाई बच्चा पार्टी, बच्चों के मजे हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लाला के इकट्ठा कर जा रही है। मुसी बस और नहीं खोल रहे, और ये हाँ क्योंकि सील देंगे और ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम खाना, मैंने उसको बोला था खोल मत, उसने पहले ही खोल दिया मेरे बोलने से पहले, ये कंफ्यूज हो गए हैं कि हम खाना खाएं कि ये खाएं। पहले खाना खाओ, मौसी गोलगप्पे भी है, मुझे शुक्र बंदा गोलगप्पे नहीं लगा अंकिता छोले गोगुल गप्पे इसको बता रहे बेचारे को। मौसी हम पहले वही लगाते, आपने खाना बोल दिया इसलिए पहले खाना लगा। मैंने कहा